होली का माहौल तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसा देखते बन रहा है। सीधा आते हैं वैभव की तरफ और ये मल्टीटास्किंग है, क्योंकि ये इतने मल्टीटास्किंग है, यहाँ पे इन्होंने कंपेयरिंग भी की। सबसे पहले ये बताइए, आप अपने टेक्निकल्स के लिए जा रहे हैं पूरे रेडी और यहाँ पे होली भी मना ली आपने। होली में खेल नहीं पाया, मेरा बहुत ही फेवरेट त्यौहार है, लेकिन यस हम सब एक साथ थे आज। होली के जो कलर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, जो हर रिश्तों में भी दिखते हैं। बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत एंजॉय किया है। मैं होली के दिन कुछ भी काम हूँ मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोस्तों के साथ खेलूँ, एक दूसरे को कलर लगाऊँ और वो खुशियाँ मैं वो एंजॉय करना चाहता हूँ। वो मोमेंट साल में हमेशा एक बार आता है तो मैं मिस नहीं करना चाहता। तो यस आज तो हम टेक्निकल्स में हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब घर जाऊँगा ये कॉस्ट्यूम निकालूंगा तो मैं शायद पानी में डूब के अकेले से होली करूँगा, बिकॉज इट्स हैप्पी होली। टेक्निकल्स के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड है, बस मैं ये कहना चाहूंगा हम लोग नहीं खेल पाए होली, मिस कर दिया हमने, क्योंकि हमारा टेक्निकल है अंदर एक्ट है, नहीं तो हम लोग भर भर के कलर लगाते। ये लोग जो होली खेला कुछ भी होली नहीं खेला, हम लोग बहुत खतरनाक होली खेलते हैं। तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि परिवार नया है, आप साल दर साल नए परिवार मतलब एक एक सदस्य जोड़ते जाते हैं हर जगह से, जितने बेस्ट डांसर्स है आपका परिवार बड़ा होता जा रहा है, और तो हम कितने धमाके और देख सकते हैं। हर साल मुझे मजा आता है, ऐसे नए नए फैमिलीज मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो इस साल ये एक नई फैमिली है मेरी, शर्मा फैमिली, जिसमें एक और एक राज शर्मा जुड़ा हुआ है। तो यस वो मैं बिलीव करता हूँ कि शायद शर्मा के टैलेंट को मैं आगे लेके जाता हूँ और शर्मा का टैलेंट मेरे काम को आगे लेके जाता है। तो यस ये नया सफर है और इस सफर को हम वैसे ही जिएंगे जैसे हमेशा जीते आए हैं। इस सफर में हम खुद को हर दिन बेटर करते जाएंगे ताकि इस सफर भी रंगीन रहे और इस सफर भी मजेदार रहे। लवली, सो ऑल द शर्माज आउट देयर, यू कैन मीट वैभव, बिकॉज ये आपको बड़ा करेंगे, उभारेंगे। फाइनली होली विशेस, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि होली सेफली खेलो, एनिमल्स को कुछ होना नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक कलर से खेलो और जितना हो सके स्वीट्स के साथ खेलो और एक दूसरे को कपड़े दो, एक दूसरे को गिफ्ट दो, ताकि ये होली जो है वो रंगीन के साथ खुशियाँ भी बांटे और रंगों के साथ खुशियाँ भी बांटे। तो यस बी सेफ एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी होली, थैंक यू सो मच। मेरे को होली खेल के बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं इतने सारे कोरियोग्राफर्स का फर्स्ट टाइम होली खेला और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी चालू थे तो वो सब करके बहुत मजा आया। वैसे हाउस बीइंग में अनुराधा जी सबसे काम एंड पॉइज्ड कोरियोग्राफर हैं, ये हमने कब से हमने यू नो शूट करते आए हैं, इनके साथ हमने काफ़ी सारे शूट्स भी किए हैं, स्टोरीज की हैं, इंटरव्यूज की हैं, आपका क्या टेक है? अनु मैम वैसे है तो बहुत स्वीट बट थोड़ी डेंजरस भी है, भागती भी हैं और लेकिन डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, उनको सिखाते बहुत अच्छे से, तो मेरे को इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा आया। कितने खुश है आपके दिए इनके दिए हुए बयान से, आप कितने खुश है पहले बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पता है ये मुझसे थोड़ा डरता है और इसकी वजह से सुनता भी है मेरी बातें, बिकॉज मैं क्वाइट हूँ, ये बहुत मस्ती करता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है उसके साथ, तो यही चल रहा है हमारा एक्चुअली हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं शो के पहले से, सो इन अ वे अच्छा है, हमारा बॉन्डिंग ऑलरेडी अच्छा था, सो इट्स ईजी नाउ। पहले तो थैंक यू सो मच पूरी ऑडियंस, पूरे लोग जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, शायद उनके सपोर्ट से, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे, तो सब लोगों को थैंक यू एंड बहुत ही ग्रेट फीलिंग है, बहुत ही अच्छा फील होता है कि जो सोचते थे वो करने का मौका मिल रहा है और अभी और भी आगे तक बहुत अच्छा करना है, सो सभी लोगों को थैंक यू और बहुत ग्रेट फीलिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है वापस से ये IVD के शो पे आके एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आज होली का माहौल है तो सब डांस और स्ट्रेस वाली चीज़ों को साइड करके अपन इंजॉय कर रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी तरफ से सभी लोग को हमेशा अच्छे से रहें और खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू।